नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच एवं गतेथ सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः सुते पुत्रकामस्तपस्तेपे यमुनायां सतं समः। श्री शुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार गते तपस्या के लिए वन में चले जाने पर अथ अब सुदुम्न के मनु महाराज वैवस्वतः विवस्वत के पुत्र सुते पुत्र के चले जाने पर पुत्र कामः पुत्र प्राप्त करने की कामना से तपः तपस्या तेपे किए यमुनायाम जमुना जी के तट पर शतम 100 समाह वर्ष तक। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से जब सुद्युम्न ने तपस्या करने के लिए वन में चले गए तब विवस्वान के पुत्र श्राद्धदेव महाराज जमुना में 100 वर्षों तक तपस्या किए पुत्र की कामना से। सुद्युम्न ने क्यों वन में चला गया, क्योंकि वह 1 महीना पुरुष रहता था और 1 महीना स्त्री, तो स्त्री होने पर वो 1 महीना छिप करके अंतःपुर में रहता था, घर में रहता था। सुद्युम्न के बारे में ऐसी कथा सुखदेव गोस्वामी कहे कि जब वह स्त्री के रूप में था तब बुद्ध से उसने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ पुरुरवा, और जब वह पुरुष रहता था तो उसने 3 पुत्र उत्पन्न किया अपनी पत्नी से, तो वह पति भी बना और पत्नी भी बना। शरीर एक ही था लेकिन उसका रूप बदल जाता है। उत्कल, गाय और विमल ये 3 पुत्र हुए। ऐसे सभी बातें नहीं लिखी जाती है लेकिन समझ लिया जाता है कि उसका विवाह हुआ होगा, फिर उसने कई वर्षों में 3 पुत्र उत्पन्न किया, पर फिर भी जनता असंतुष्ट थी कि क्योंकि 1 महीना वो गायब रहता था, कहीं छिप करके स्त्री के रूप में रहता था, कहीं का मतलब वन में नहीं, वहीं राजभवन में ही। तो इस कारण से जन समुदाय को अश्रद्धा थी। जो भी हो, अपने पुत्र को पुरुरवा महाराज को राज दे करके सुदुम्न वन में चले गए। फिर यह भी प्रश्न होता है कि वे 3 पुत्र क्या राज्य नहीं लिए, वो दूसरे परंपरा में थे और पुरुरवा महाराज को तो मां थी, सुदुम्न मां थी, तो उसने पुरुरवा महाराज को राज दिया और अन्य बच्चों को, लड़कों को भी राज दिया। तत्वतः एक प्रकार से देखा जाए तो मनु महाराज का वंश ही समाप्त हो गया। वो रियल
पुत्र की कामना उनकी पूरी नहीं हुई। पहले चाहे थे कि हमको पुत्र हो, लेकिन वो पुत्री हो गई, और वो भी फिर बाद में सुदुम्न बन करके जब वन में चला गया तप करने के लिए, तब मनु महाराज पुत्र कामना से तप किए 100 वर्षों तक। ऐसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि वैदिक काल में जिन पुरुषों को, जिस व्यक्ति को पुत्र की कामना होती थी, वह पहले तपस्या करता था, अनेक नियमों का पालन करता था शुद्ध संतान उत्पन्न करने के लिए। कई प्रसंग में हम लोग पाते हैं, जैसे प्रचेता लोग तप करने गए, पिता दक्ष ने इसलिए उनको भेजा कि वे जा करके भगवान से शक्ति प्राप्त करेंगे गृहस्थ बनने के लिए, और शुद्ध संतान उत्पन्न करेंगे तथा ठीक से शासन करेंगे, और तपस्या से ही सब कुछ मिलता है, बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता, अतः पहले लोग तप करते थे। आज के युग में तपस्या नाम की कोई चीज किसी को नहीं सिखाई जा रही है। बच्चों को कभी नहीं सिखाया जाता कि तप करो, तप का मतलब ही नहीं जानते हैं, और सिखाने वाले माता पिता को ही बुद्धि नहीं है कि तप क्या है। तप कहते हैं इंद्रियों का निग्रह, आंख है, कान, नाक, रसना और आंख, ये सब जितने भी हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं, इनकी विषयों के तरफ प्रवणता होती है, विषयों के तरफ झुकी रहती है, तो उनको विषयों से रोक करके और अच्छे कार्य में लगाना, या कम से कम उनको रोक देना गलत विषयों से, इसको तपस्या कहा गया है। जैसे वाणी से गलत बात नहीं बोलना, दूसरे का अहित करने वाला वचन न बोलना, दूसरे का चित दुखाने वाली बात न बोलना, इसको श्री भगवान ने गीता में वचन का तप बताते हैं, कई प्रकार के तप का वर्णन किए हैं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम और सत्यम प्रिय हितम च जप, सत्य बोलना, किसी को उद्वेग में डालने वाली बात न बोलना, जैसे हमारी बात से कोई दुखी हो, चिंतित हो, ऐसी बात नहीं बोलना, और प्रिय बात वचन बोलना तथा हित करने वाली बात बोलना, शास्त्राभ्यसनम चैव, और शास्त्र का अभ्यास करना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, अभ्यसनम का अर्थ है बारम्बार पढ़ना, नियम से रोज रोज पढ़ना, इसे वाणी का तप कहा गया है। भगवद गीता में श्री भगवान बोलते हैं। तो आज के युग में इस तप का कोई पता ही नहीं है, इसीलिए सारे लोग निस्तेज होते जा रहे हैं, बुद्धि भी कम होती जा रही है, और कोई ब्रिलियंट नहीं है। आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं एक से एक ब्रिलियंट लोग हैं, कंप्यूटर जानते हैं, ये जानते हैं, कंप्यूटर पर जानते, कंप्यूटर में जो कुछ है वही है, उनके दिमाग में वो चीज नहीं है, उनका दिमाग ही खाली होकर के कंप्यूटर में चला गए। किसी को जोड़ने को कहिए जल्दी में जोड़ने को कह दीजिए कि ये बताओ कि 7 और 7 कितना होगा, तो पहले सोचेंगे, सोचना पड़ेगा, वो भी कोई कोई नहीं बता सकते हैं, कंप्यूटर से या कैलकुलेटर से जोड़ेंगे तब बताएंगे, ऐसा देखा गया है आंख से पर्सनल। यह स्थिति हो गई, तो ब्रिलियंस कहां रहा, क्या तेज रहा लोगों में? इसलिए तेज नहीं है कि मन एकाग्र नहीं है, मन की जो स्वाभाविक शक्ति है वो सुप्त है, वो जागृत तब होती है जब मन से अच्छा संकल्प विकल्प होता है और इंद्रियां समाहित होकर के शुभ आश्रय में जाती हैं, जैसे भगवान के रूप में, भगवान के लीला में, और साधुओं के चिंतन में, जीवन का जो लक्ष्य है उसके चिंतन में, दूसरे का उपकार सोचने में मन जब लगता है, या इंद्रियां लगती हैं, तब इसको कहते हैं वो समाहित होती है, इंद्रियां एकाग्र होती हैं, एकाग्र होने से उनकी शक्ति
कोटि गुना बढ़ जाती है। ये उपाय है। अतः जो व्यक्ति गृहस्थ बनना चाहता था वह भी तप करता था। ब्रह्मचारी तो तप करते ही थे, या जिन्हें संन्यास लेना होता था ब्रह्मचर्य के बाद, तो वो तो तप करते ही थे, तप ही उनका सबसे बड़ा बल होता था। पर गृहस्थों के लिए भी तप अनिवार्य। तो महाराज मनु तप किए, पुत्र कामस तपस्ते पे, पुत्र काम हो करके, पुत्र की लालसा वाला हो करके तपस्ते पे तप किए। कहाँ किए तप? जमुनायाम, जमुना में। यह जमुना नदी प्रसिद्ध है जो इस महानगर को छू करके बहती है। ये महाभारत में इस नगर को खांडव प्रस्थ कहा गया है। यह महाराज युधिष्ठिर की राजधानी थी। महाराज युधिष्ठिर के पूर्वजों की जो राजधानी थी वो थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मेरठ के पास है, आज भी है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हस्तिनापुर को विकसित करना चाहते थे, उनका प्लान था, परंतु किसी कारण से वो विकसित नहीं हो सका। तो हस्तिनापुर वहां था, पूर्ववंश की वो राजधानी। और आप लोगों ने सुना होगा कि जब एक बार धृतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिर से कहे कि बेटा हमारे पुत्र 100 हैं और तुम लोग 5 हो, तुम लोग भी राजा के पुत्र हो, ये भी राजा के पुत्र हैं, तो ये हस्तिनापुर की राजधानी संकीर्ण पड़ रही है, छोटी पड़ रही है। अतः तुम लोगों के लिए मैं एक बहुत सुंदर भवन बनवाया हूँ वारणावत में। इसी का उल्लेख उन्होंने किया जो खांडव वन में है, खांडव प्रस्थ कहा जाता था। तो तुम लोग वहां रहो। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों को जलाने का प्रयास किया, वो जले नहीं। बाद में जब लौटे द्रौपदी से विवाह करके, तो इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने स्वयं ही अपनी राजधानी खांडव प्रस्थ में बनाया। और चूंकि यह इंद्र का बहुत प्रिय स्थान है, इसलिए इसे इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। इंद्रप्रस्थ, प्रस्थ का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से स्थ, जहां इंद्र रहे हैं उसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। तो यह हमारा युधिष्ठिर की राजधानी है। हस्तिनापुर गंगा जी के तट पर है और इंद्रप्रस्थ जमुना जी के तट पर है। और यहीं से श्री जमुना जी फिर ब्रज क्षेत्र में जाती हैं। बहुत पवित्र नदी है। कोई भजन करना हो, शुभ काम करना हो, तो सबसे पहले स्थान का चुनाव करना पड़ता है। उचित स्थान जो हमें तपस्या में फल दे, हमारे तपस्या को सार्थक करे, हमारे यज्ञ को, हमारे भजन को सार्थक करे, तो स्थान देखा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई कारखाना खोलना चाहता है तो वो देखता है कि यहाँ हमको कच्चा माल ठीक से मिलेगा, जल मिलेगा, पानी मिलेगा, और यहाँ से तैयार माल को अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। वो स्थान देखेगा, ऐसा तो नहीं करेगा उसे धान की खेती करनी है तो जाकर के राजस्थान में करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वहां पानी की सुविधा नहीं है। तो जो व्यक्ति चाहता है जीवन में उत्कर्ष, सफलता, शुभ कर्मों के फल को अच्छी तरह से प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले देश का चुनाव करना होता है। ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि गंगा जी का तट और जमुना का तट सबसे पवित्र क्षेत्र है, शुभ कर्मों का फल देने वाला, हजारों गुना फल देता है। चलमन गंगा जमुना तीर। मनु महाराज जमुना जी के तट पर तपस्या करने का निश्चय किए
और काल कितना दिन तप किए, 100 वर्ष तक, शतम समाह, समाह का अर्थ वर्ष और शतम 100 वर्ष तप किए। ये सब केवल कथा मात्र नहीं है, यह सत्य है और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कुछ दिशा निर्देश करता है। श्रीमद् भागवतम ऐसी कथा नहीं है कि बस केवल कहानी मानकर सुना जाए और ऐसे रहा जाए। टच कर रहा है, इसमें जीवन के लिए प्रेरणा है। मनु महाराज पुत्र कामना से तप किए। आज के युग में कोई सोच सकता है, सोचेगा हमें विवाह करना है, हमें योग्य पुत्र पैदा करना है, तो इसके पहले हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने इस शक्ति को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, अपने वाणी को, अपने आंख को, कान को संयमित रखना, भगवान का भजन करना, इसको तप कहते हैं। तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से तप किया और वो भी 100 वर्षों तक। आज के युग में मनुष्य को इन सब बातों से सीखना चाहिए, तप करना है, तप हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, ऐसे तप करना मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान का नाम जप करना, भगवान का दर्शन करना, उनकी कथा सुनना, उन्हें प्रणाम करना, एकादशी का उपवास करना, ये सब सीखना चाहिए है तप। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे 4 नियम का पालन आज के युग में यही बहुत भारी तप है। नो मीट ईटिंग, मांस वास्तव में न खाए कोई व्यक्ति जो लंपट बदमाश आदमी है, मांस न खाए तो माना जाएगा कि वो तपस्वी है, इतना स्टैंडर्ड गिर गया है, क्या किया जाएगा। पर वो भी नहीं करते, मांस खाते ही जाते। मांस नहीं खाना एक तप है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना ये एक तप है। और नो इंटॉक्सिकेशन, शराब नहीं पीना। तो जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है वास्तव में वो अगस्त जी जैसा तपस्वी, शराब न पिए। खास करके शराब पीने की आदत हो और शराब छोड़ दे तब तो वो तो प्रकृति को ही पार कर गया है, माया को पार कर गया है। ऐसा करें इसे बहुत भारी भारी तप है। और नो इलिसिट सेक्स, अपनी पत्नी के अतिरिक्त कभी भी स्वप्न में भी किसी स्त्री के साथ कोई संबंध न होना, यह भी बहुत बड़ा तप। इन सब को तप कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत प्रैक्टिकल बताया है ये तप है। और उस पर भी यदि भगवान के 16 माला का नाम जप किया जाए, भगवान के नाम का 16 माला किया जाए, तब तो वो परम तप है, दिव्य तप है। तपो दिव्यम पुत्र का जन सत्वम शुद्ध, तप से ही हृदय शुद्ध होता है, सत्व शुद्ध होता है। और हृदय जब शुद्ध होता है तब ब्रह्म सुख प्राप्त होता है, अप्राकृत आनंद, भगवान का जो आनंद वो प्राप्त होता है जो अनंत है। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, तपो दिव्यम पुत्र का जन सत्व। भगवान ऋषभदेव भागवत पंचम स्कंध के 5वें अध्याय में कहते हैं अपने पुत्रों को कि बेटा यह शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, नायम देह अनायम देहो देह भाजन लोके कष्टन कामाना रहते विद्ध जान। बेटा ये मनुष्य का शरीर बहुत कष्ट करके, बहुत मेहनत करके भोग अर्जन के लिए नहीं है। ये भोग जो दुनिया में आदमी कहता है भोग, ये तो बीड भुजाम, ये तो गांव के जो सुअर हैं मल भोजन करते हैं उनको भी ये मिल जाता है बिना परिश्रम। तो फिर ऐसे कंडम भोग के लिए परिश्रम किया जाए ना भारी, ये शरीर का फल नहीं। क्या करना चाहिए तब ये कहते हैं
तपो दिव्यम। भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि दिव्य तप करना चाहिए। दिव्य तप करने से हृदय शुद्ध होता है, और हृदय जब शुद्ध होता है तो उसमें भगवान का स्मरण होता है, और भगवान का स्मरण अनंत सुख देता है, इसको ब्रह्म सुख कहते हैं। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, क्या इको होने लगा है सब, फिर ये तो हमको डिस्टर्ब कर रहा है। दिन में ही चेक करके फिट कर लेना चाहिए ना, एक महीने से तैयारी चल रही है, ठीक नहीं कर सकते। मनु महाराज के संतान परंपरा के विषय में महाराज परीक्षित का प्रश्न है, और श्रील सुखदेव गोस्वामी इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए मनु महाराज के प्रथम पुत्र सुदुम्न की कथा का है, और इसके बाद उसके वन में चले जाने के बाद अब अन्य पुत्र प्राप्त करने की इच्छा उन्होंने किया, तब तप किया। तप करने के बाद फिर वे अपने घर लौटे, और वहां आकर के उन्होंने भगवान का पूजन किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी इसको कहते हैं, ततो यजन मनुर्देवम अपत्यार्थम हरिम प्रभुम इक्ष्वाकु पूर्वजान पुत्रान लेभे स्वसदृशान दश। ततः तपस्या 100 वर्ष करने के बाद अपने घर आए और बहुत बड़ा यज्ञ किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की पूजा की है अपत्यार्थम, अपत्य प्राप्ति के लिए, अर्थात पुत्र प्राप्ति के लिए। किसकी आराधना की है? हरिम प्रभु, जो पुत्र देने में या किसी भी विषय में समर्थ हैं, ऐसे भगवान विष्णु का पूजन किया, पूजा किया, तपस्या किया, और तपस्या के बाद भगवान की पूजा किया। तो भगवान की पूजा के प्रभाव से उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए, स्वसदृशान, जो मनु महाराज के समान ही थे, सुंदर थे, विद्वान थे, सब तरह से 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें इक्ष्वाकु पूर्वज थे, सबसे पहले जन्म लिए। इक्ष्वाकु पूर्वजान पुत्रान लेभे स्वसदृशान दश, 10 पुत्र प्राप्त किए, सब मनु महाराज के समान ही सुंदर, स्वस्थ, सुशील थे। 10 वर्षों में ऐसा नहीं था कि किसी को पोलियो हो गया हो, किसी को कुछ हो गया, नहीं। आजकल तो एक ही पुत्र, 2 ही पुत्र होता है, उसमें भी कोई न कोई रोग रहता है, क्योंकि विवाह के पहले पुरुष या स्त्री नियमों का पालन करते नहीं। शुद्ध स्वस्थ संतान के लिए तपस्या जरूरी है, भगवान की भक्ति जरूरी है। तो 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम पहले बताए गए हैं, इक्ष्वाकु, निर्गसर जाति, दिष्ट धृष्ट करुषकान, नरिष्यंतम, त्रिशद्रं च, नभगम च, कविम विभु। ये 10 पुत्रों के नाम है, इक्ष्वाकु, नृग, सरजाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, त्रिशद्र, नभग और कवि, ये 10 पुत्र हुए। तो इसमें से इस अध्याय में 7 पुत्रों के विषय में प्रवचन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। महाराज मनु के 7 पुत्र को क्या क्या पुत्र प्राप्त हुए, कौन कौन नाम हुआ, तो सबसे पहले प्रिशब्ध से चालू कर रहे हैं। प्रिशब्ध मनु महाराज के ये पुत्र हुए, प्रिशद्रस्तु मनोपुत्र गोपालो गुरुणाकृत। गुरु वशिष्ठ देव ने मनु महाराज के प्रिशब्ध नामक पुत्र को गोपाल बनाया,
है क्षत्रिय है लेकिन इनको गोपाल बनाया। गोपाल का अर्थ गाय का पालन करने वाला, या ये कहिए कि गौ विभाग काउ प्रोटेक्शन का मंत्री बनाया, ये ऐसे गोपाल। गायों का पालन करना बहुत बड़ा काम है वास्तव में, मनु महाराज के इस पुत्र परिषद्र को गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने गोपाल बनाया। वो देख ली इसकी योग्यता कि यह गायों की रक्षा अच्छी तरह से करेगा, और राजा का पुत्र होते हुए भी परिषद्र रात भर जब सोते नहीं थे। पहले ऐसी दशा रहती थी कि गौओं के लिए पूरा महल नहीं बनाया जाता था, ये उनके लिए उपयुक्त नहीं है। वे वन में चरने जाती थी और आती थी खिड़क में रहती थी, खिड़क को ही चारों तरफ से घेर दिया जाता था। गौओं को अच्छा लगता है हवा लगना, शुद्ध हवा लगना, पानी शुद्ध मिलना, तो ऐसे जगह पर गौएं रखी जाती थी जिसको ब्रज कहा जाता था अथवा गोष्ठ कहा जाता था, गौशाला। तो परिषद है रात भर सोते नहीं थे, गौओं के रक्षा की उन पर जिम्मेवारी थी। रक्षा से तात्पर्य है कि हिंसक जीव जैसे बाघ सिंह आदि इनको न खा जाए। पहले बाघ सिंह भरे रहते थे जंगल में और उनकी भी रक्षा की जाती थी, कोई व्यर्थ उनका वध नहीं कर सकता था। आज के युग में लोगों को चिंता होने लगी है कि कुछ काल के बाद ये सब स्पेसी जोनियां नहीं रह पाएंगी। जिस तरह से लोग हनन कर रहे हैं पशुओं का पक्षियों का, तो ये अनुमान किया जाता है कि कुछ काल के बाद ये जोनियां समाप्त हो जाएंगी। कई ऐसे पक्षियों की जोनियां वो खत्म हो गई, देखने को नहीं मिलती। जैसे पहले हम लोग देखते थे गिद्ध आकाश में उड़ते थे और जहां तहां बैठते थे बड़े बड़े पेड़ों पर, और मरे हुए पशु को खाते थे, मांस खाते थे। लेकिन अब ये दुष्ट आदमी जीवित ही पशुओं को काट करके खा जा रहे हैं, तो गिद्धों के लिए कोई आहार नहीं बचा, बेचारे देश छोड़ ही दिए, दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा हमने कई गांव में देखा कि गिद्ध का पता नहीं, अब उनका पेट जलता है, उन्हें भोजन नहीं मिलता। उनका भोजन तो ये सब कसाई खा रहे हैं, मनुष्य के आकार में मांस खाने वाले ये खा रहे हैं, उनको मांस मिलता नहीं। पशुओं को काट काट करके सारी दुनिया में सप्लाई करो, कंटेनरों में भर भर करके ये व्यापार चल रहा है। इसको उत्कर्ष मान रहे हैं मानव समाज, हम बहुत विकास कर रहे हैं, और यांत्रिक कसाई खाने खोल खोल करके पशुओं की हत्या करना और मांस बेचना, चमड़ा बेचना। आप देख सकते हैं कि इस श्रीमद् भागवतम में किस तरह से एक राजा के पुत्र को गौ रक्षा में लगाया गया और वो रात भर बेचारा सोता नहीं था, वीरासन से बैठता था। वीरासन का अर्थ है पैर को मोड़ करके एक ही साथ और हाथ में अस्त्र लेकर के, गदा या तलवार। जब कोई व्यक्ति बैठता है तो इसको वीरासन व्रत कहते हैं, वीर का आसन, खड़ा होने में थोड़ी भी देर न लगे और निद्रा न आए, रात भर पहरा। पालया मास गा जत्तो रात्रिम वीरासन व्रत, वे रात्रि भर जग करके वीरासन व्रत में रहते थे पुरुषार्थ, और गायों की रक्षा करते थे। वीरासन व्रत, क्या ऊंचाई है उस समय, पशुओं के प्रति कितनी हमदर्दी थी, और विशेष करके गाय के प्रति। राजा का पुत्र नियुक्त किया गया है, वो भी गुरु महाराज के द्वारा जो कुलाचार्य हैं, कि यह व्यक्ति गाय का पालन करेगा, और वीरासन व्रत से रात को सोते नहीं थे परिषद और गायों की रक्षा करते थे। वीरासन व्रत, साधारण आदमी भी एक कंगाल भी होता है आज के युग में देखा जाए तो, रात को सोना चाहता है, आराम से सोता है, जहां भी सोना चाहे।
और दूसरे लोग तो एसी चालू कर करके सो रहे हैं। क्या किसी में है ऐसा साहस कि रात भर जप करे भगवान का? नहीं, वो खूब आराम से सोएगा, केवल मंगल आरती में खड़ा हो जाए वही महाभागवत हो जाएगा। देखिए अंतर पहले से और अब का, उसी को बहुत बड़ा डिवोटी मान लिया जाएगा, वो इतने फर्स्ट क्लास का भक्त है। फिर रात भर जग करके भगवान का नाम तो जपे, तपस्या तो करे, तब पता चलेगा हाँ ठीक है, चित लगा। गोपालन, तुलसी की सेवा और क्या क्या द्वादशी व्रत आदि, ये सब एक समान माने गए हैं, ये पद्म पुराण में लिखा गया। तो गाय की सेवा के लिए, गाय की रक्षा के लिए प्रसाद हाथ में तलवार लेकर के और रात भर जगा रहते हैं, रात्रंग वीरासन व्रत, यह शिक्षा दी जा रही है वास्तव में। इस तरह से गाय की रक्षा होनी चाहिए। आज के युग में जिस प्रकार से पशुओं की हानि होती जा रही है और वृक्षों की, यह देख करके निश्चित कहा जा सकता है कि मनुष्य पर एक दिन अद्भुत विपत्ति आएगी, उसे भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा पीने को। अभी कुछ साइंटिस्ट अनाउंस करने लगे कि इतने काल के बाद मनुष्यों को पीने का पानी नहीं मिलेगा और भोजन भी नहीं मिलेगा। अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में, कल फ्लाइट में बैठे बैठे वो एक अखबार आ गया तो देखने लगा, उसमें लिखा था कितना बिलियन लोग तो अन्न के बिना मर जाएंगे और फिर पानी का अभाव होगा, ये होगा होगा, फिर बाढ़ क्या क्या सूखा, उसमें सब लिखा हुआ है। तो ये स्वाभाविक ही है होना, मानव जो कुकृत कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज हम पाप कर रहे हैं तो हमारे संतान पर वो आकर के ही रहेगा, आकर के रहेगा, उसको हटाया नहीं जा सकता। कोई कहे कि हम पशु की हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं किस तरह से? यदि आप किसी पशु की हत्या की करके बनाए गए जूता को आप पहन रहे हैं तो आपका शेयर है उस पाप में। कुछ पापी ऐसे हैं जो मनुष्य के आकार में है लेकिन पशुओं का चमड़ा पहनते हैं, कोट लगाते हैं अपने को गर्म रखने के लिए जाड़े के दिन में, शर्म नहीं आती, मनुष्य बना हुआ है। तो पशु का चाम पहन रहा है और वो भी मरे काटे हुए, कसाई खाना में काटे हुए पशु का चमड़ा पहन रहा है, क्या वो जो पशु की हत्या कर रहा है वो हत्या वो व्यक्ति नहीं कर रहा है जो कोट पहन रहा है? वो भी पाप कर रहा है, जो बेच रहा है वो भी पाप कर रहा है, प्रेरणा देता है वही पाप करता है। यदि लोग न पहने तो ऐसा कोट बनाने के लिए पशु की हत्या क्यों की जाएगी? पशु हत्या रोकने के लिए भगवान का एक अवतार हुआ है, जैसा गीत गोविंद में जयदेव महाकवि कहते हैं कि निंदसि यज्ञ विधे रहः श्रुति जातम, सदय हृदय दर्शित पशु घातम, केशव धृत बुध शरीर, जय जगदीश, जय जगदीश। निंदसि यज्ञ विधे, जो यज्ञ की विधि शास्त्रों में दी गई है, शास्त्र में पशु हत्या का विधान है, लेकिन यज्ञ में जिस पशु की हत्या की जाती थी उसको फिर ऋषि लोग मनुष्य बना देते थे, पशु का शरीर हवन करके उसे मनुष्य का शरीर मिलता था, लेकिन वो शक्ति नहीं थी, फिर भी लोग पशुओं की हत्या कर रहे थे केवल जीभ को संतुष्ट करने के लिए। सदय हृदय दर्शित पशु घातम, इन भगवान का हृदय द्रवित हो गया देखकर, तब उन्होंने आकर के वेद की अथॉरिटी को ही रोक दिया, वेद के विषय में चुप रहे। उन्होंने साफ कहा कि हम ये नहीं मानते हैं कि किसी पशु की हत्या करना यह उचित है। तो उनके सामने बड़े बड़े विद्वान तर्क में हार गए, बड़े बड़े पंडित, और इस तरह भगवान बुद्ध ने पशु हत्या पर अंकुश लगा दिया, रुक गई हत्या। पर आज आश्चर्य की बात है कि अपने को बौद्ध कहने वाले लोग भी मांस खाते हैं, एक अद्भुत आश्चर्य की बात, जो अवतार ही पशु हत्या रोकने के लिए हुआ उन्हीं के फॉलोअर बन करके और मांस खाते हैं, ये बहुत भारी आश्चर्य।
तो भगवान का अवतार हुआ पशु हत्या रोकने के लिए, तो ऋषभ को गोपाल बनाया गया है गौओं का पालन करने वाले, इसलिए मैं इस बात पर विशेष जोर दे रहा हूं। एक राजा का लड़का जो राजा के बाद राज्य का अधिकारी होता है, पर गुरु जी ने सलाह दिया कि नहीं इसको गायों की रक्षा में नियुक्त किया जाए, और वो कर रहा था जत्त सावधान होकर के रात्रि में वीरासन से बैठ करके पहरा दे रहा था, गायों की रक्षा कर रहा था। तो एक घटना हुई, एकदा प्राविशद गोष्ठम शार्दूलो निशिवर्षति, एक दिन की बात है, रात्रि का समय था, बादल घनघोर छाया था आकाश में, इसलिए अंधकार छाया था बादलों के छाने से, तो और तारों का प्रकाश नहीं आ रहा था पृथ्वी पर, प्रकाश का नामो निशान नहीं था। उसी समय एक बाघ है गौओं के झुंड में प्रवेश किया, जिन गौओं की रक्षा ऋषभद्र कर रहे थे उन्हीं गौओं के झुंड में एक बाघ आ गया। बाघ का स्वाभाविक आहार है मांस, वो पशुओं को मारता है खाता है, यही उसकी जीविका है। तो ऋषभद्र पहरा दे रहे थे, वर्षा हो रही थी, घना अंधकार छाया था, तो बाघ प्रवेश किया। बाघ के प्रवेश करने से सयाना गाव उत्थाय भीतास्ता व भ्रमुर ब्रजे, गाय के उस बाघ जब प्रवेश किया गाय के झुंड में, तो गौएं डर गई और गौएं सो रही थी, वो जग करके भागने लगी, ब्रज में ही खिड़क में ही इधर उधर भागने लगी। सयाना गाव, गऊ के विषय में कहा गया सोई हुई गावें गऊ, प्रत्येक जीव सोता है वास्तव में, उनके सोने का ढंग अलग अलग होता है लेकिन सोते हैं सभी लोग, गौएं सोती हैं, इसको हम लोगों ने देखा है, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और सो जाती हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, कभी कभी वे अपने मस्तक को जमीन पर रख करके सोती हैं, कभी पैरों को पसार करके सोती हैं, ये सोती हैं। तो जब बाघ प्रवेश किया गौओं के झुंड में, तो गौएं घबरा करके रात्रि में इधर उधर भागने लगी। गौओं के भागने से ऋषभद्र तुरंत ही तलवार लिए थे उठ करके और चले, वो समझ गए कि कोई बाघ आया है, बाघ आया है। बाघ जब गौओं के झुंड में आता तो वो बोलता नहीं है, चुपचाप आता है, लेकिन गौएं जब इस प्रकार से बिजुक गई भागी इधर उधर, तो वो ऋषभद्र गया एक एम लेकर के कि यहीं पर बाघ है, और कैसे और पता चल गया कि बाघ इस साइड में है, कि एकम जग्राह बलवान सा चुक्रोश भयातुरा, एक गाय को बाघ पकड़ लिया, जब पकड़ लिया तो गाय बेचारी रमाने लगी, चिल्लाने लगी गाय, तो उसी का लक्ष्य करके फिर ऋषभद्र बहुत वेग से बढ़े बाघ को मारने के लिए। यह भी एक अद्भुत बात है, बाघ है को तलवार से मारने के लिए ऋषभद्र चल दिए, इतना बलवान थे वे, इतना साहस था कि बाघ को मार सकते थे, समर्थ थे, तो तलवार लेकर के वे चले बहुत जोर से। अभिशसार अभिशसार का अर्थ है अभिशार किए, बहुत जल्दी जल्दी चले। तस्या क्रंदितम श्रुत्वा ऋषभद्रो भी ससार, गाय के क्रंदन को रोने की आवाज को सुनकर ऋषभद्र चले बाघ का वध करने के लिए, गाय को छुड़ाने के लिए। खड्गम आदाय तरसा, वे तलवार लेकर बड़े वेग से चले, लेकिन प्रली नोडू गणे निशी, वह रात्रि का समय था और उडू गण भी प्रलीन हो गए थे बादल में, घनघोर बादल छाया था, इसलिए कोई दिखाई नहीं, बाघ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर गाय जब रम्हा रही थी रो रही थी, तो गाय को लक्ष्य करके गए, अंधकार छाया था। अजानन अहन बभ्रो शिर शार्दूल सन गया, ऋषभद्र बेचारे नहीं जाने इस बाघ यही है और यहीं पर है, इसलिए उन्होंने अपने तलवार का वार कर दिया और गाय का मस्तक कट लिया।
और व्याघ्रोपी वृक्ष श्रवण और बाघ भी ऐसा था कि उसका कान कट गया निस्त्रिंसाग्रत अग्राहत तत निश्चक्राम भीतो भृषण रक्तम पथि विसृजन। जब उन्होंने तलवार से मारा तो उनको अंदाज नहीं आया गाय का मस्तक कट गया। वह गाय अभी कुमारी गाय थी, बाछी थी, उसको बाघ पकड़ा था, उसी के गर्दन पर पुरुषार्थ की तलवार लग गई और तलवार का जो अग्र भाग था वो बाघ के कान पर लगा, कान उसका कट गया और बाछी का गाय का मस्तक कट गया। तो वे फिर जाकर के बैठे, वो यही समझ रहे थे कि बाघ का मस्तक कट गया, यही मान्यता रखे थे। लेकिन निश्चक्राम भृषम प्रीतो रक्तम पथि समुत्सृजम मन्यमानो हतम व्याघ्रम पृषद्र पर भी रहा। पृषद्र जो बड़े बड़े विपक्ष के वीरों का मर्दन करने वाले थे वो यही समझे कि बाघ मारा गया। लेकिन अद्राक्षित स्वहतां बभ्रूं व्यवस्थायां निशि दुखिता निशि व्यवस्थायां, जब निशा बीत गई, रात बीत गई, तब उन्होंने देखा अरे ये तो गाय का मस्तक कट गया, बहुत दुखी हुए, दुखिता अनजान में ही ये पाप हो गया। अपने समझ से वे गाय की रक्षा कर रहे थे लेकिन गाय का मस्तक कट गया, तो इस कारण से दुखी था, बहुत दुखी थे, अपना सिर पीटने लगे, चिपटाने लगे, हाय हाय मेरे द्वारा ये पाप हो गया। यह खबर राजधानी में गई महाराज मनु के पास और गुरु वशिष्ठ जी के पास, वे सब आए देखे। उत्तम ससाप कुलाचार्य कृतागसम अकामत, यद्यपि पृषर्ध अनिच्छा पूर्वक कोई संकल्प से नहीं बल्कि भ्रम से पाप कर बैठे, तो उनके गुरु महाराज वशिष्ठ जी उनको साप दिए। क्या साप दिए? नक्षत्र बंधु शूद्रस्तम कर्मणा भविता मना अमुना कर्मणा, तुम इस कर्म से शूद्र हो, यहां तक तुम क्षत्रियाधम भी नहीं हो, न क्षत्र बंधु, तुम्हें यह भी नहीं कहा जाएगा तुम एक अधम क्षत्रिय हो, नहीं नहीं, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम इस कर्म से, अपने ही कर्म से तुम शूद्र हो गए। यह व्यवस्था थी उसमें समाज में और गुरु महाराज ने जो कुछ भी किया बिल्कुल उचित किया। यह ऐसी बात नहीं थी केवल पुरुषार्थ को दंड दिया जा रहा है, भावी समाज को ये शिक्षा दी जा रही है कि भूल करके भी गौ वध नहीं होना चाहिए, भूल से भी वध करना पाप है। अब आज जरा विचार कीजिए कि जो इस तरह से योजना बना करके और कई तरह से सरकारी सहायता प्राप्त करके पशुओं की इतनी बड़ी हिंसा की जा रही है, यह कितना बड़ा घोर पाप है, और फिर भी मनुष्य सोचता है हम सुखी होंगे, हम सुखी होंगे, अब इस पंचवर्षीय योजना में इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ, अरे सब हेल जाओगे नरक में, और जीवित ही इतना दुख मिलेगा जिसको कोई यार पार नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है कि दुख चला जाए, दुख चला जाए, लेकिन दुख जाएगा नहीं इस प्रकार का पाप करने से, जहां योजना बना करके विधिवत पशुओं की हत्या की जाती है और मांस की सप्लाई की जाती है, खाया पिया जा रहा है, पकाया जा रहा है, वहां क्या सुख की आशा की जा सकती है? भूल में गौ की रक्षा करने में जब पुरुषार्थ से ये पाप हो गया, फिर भी वशिष्ठ महाराज ने उनको कहा कि तुम शूद्र हो गए, मतलब क्षत्रिय जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा। यद्यपि गुरु वशिष्ठ देव त्रिकालदर्शी महात्मा थे, वे सब जानते थे इसने जानबूझकर के पाप नहीं किया है, फिर भी यह दंड आवश्यक था। इसको समझदार आदमी समझ सकते हैं कि के में दंड दिया गया, दंड जरूरी था।
अन्यों को सावधान करने के लिए। आजकल जैसे देखा जाता है कोई व्यक्ति महापापी है, हजारों लोगों का वध किया है, वध करने की चेष्टा किया है, फिर भी उसके जीवन की रक्षा होनी चाहिए। देखिए तो आगे दूसरे लोग पाप करने के लिए फ्री हो जाएंगे और दूसरों का वध करने के लिए। तो ये दंड विधान जो है यह बिल्कुल शास्त्रीय चाहिए, दंड होना ही चाहिए, क्योंकि जनता को सुरक्षित रखना है, सबको ठीक से सुकर्म के पथ पर चलाना है, यह आवश्यक है। निर्दोष सर्वथा निर्दोष ऋषभद्र को दंड दिया गया, उसे क्षत्रिय से क्षत्रिय से शूद्र कह दिया गया। हरे कृष्ण। तो यह बहुत बड़ा दंड है और गुरु वशिष्ठ जी अभी जानते थे कि यह लड़का वास्तव में बहुत महान व्यक्ति है और भविष्य भी देख लिए कि यह भगवान कृष्ण का परम भक्त है और आगे भी होगा, इसलिए भी उन्होंने दंड दिया। अन्यथा यह लड़का यदि राज काज में फंस जाएगा तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उन्होंने यह भी देख लिया, इसलिए यह दंड दिया। न छत्र बंधु शूद्रस्तम कर्मणा भविता मुना, अमुना कर्मणा त्वम शूद्र भविता, तुम शूद्र हो। एवं सपंतम एवं सप्तस्त गुरुणा प्रत्यगृहणात कृतांजलि। प्रसाद इतने महान पुरुष थे, एक तो उन्होंने गायों का पालन किया था, गाय का पालन स्वयं भगवान किए, भगवान कृष्ण का मुख्य काम है गोपाल, तो गोपालन, तो इस तरह से बहुत पवित्र कार्य किया था। और देखिए दूसरी विशेषता, गुरु जी ने साप दे दिया, यदि चाहते तो पृषद्र भी साप दे सकते थे गुरु वशिष्ठ देव, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रत्यगृहणात कृतांजलि, हाथ जोड़ करके अपने गुरु के साप को स्वीकार कर लिया, कुछ भी बड़बड़ाए नहीं, कुछ भी साप नहीं दिए, गाली नहीं दिए। आजकल का कोई शिष्य होता तो कहता मेरी क्या गलती है कि तुम ऐसा बोल रहे हो, हमने क्या गलती की, हम तो गाय की रक्षा कर रहे थे ना, तुम गुरु होकर के और ऐसी दुर्बुद्धि रखते हो। आजकल का तो शिष्य जरूर कह देगा, ये सामने न कहे परोक्ष में तो कहेगा, पर प्रसाद अपने गुरु की बात को, दंड को कृतांजलि प्रत्यगृहणा, हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लिए। अंजलि ऐसे कहते हैं, कृत अंजलि, स्वीकार करना, ठीक, हाथ जोड़ लेना, प्रतिकार नहीं करना, और स्वीकार कर लिए। और अधारयत व्रतम वीर ऊर्ध्वरेता मुनि प्रियम, और उसी दिन से त्रिशाद्र व्रत धारण किए। क्या व्रत? मुनि प्रियम व्रतम। क्या व्रत है? ऊर्ध्वरेता, ब्रह्मचर्य पालन का व्रत लिए, मुनियों को बहुत प्रिय है। और जो लंपट हैं, भोगी हैं, उनका व्रत क्या है? उनका व्रत है ब्रह्मचर्य खंडन करना, जैसे भी हो ब्रह्मचर्य को नष्ट करना। लेकिन मुनियों का ये व्रत है, उनको बहुत प्रिय लगता है, अपने वीर्य को वो ऊपर उठाते हैं, अपने मस्तिष्क में उठाते हैं इधर उधर, उनकी शक्ति करोड़ों गुना बढ़ जाती है। जो व्यक्ति वीर्य का क्षरण नहीं करता है, अपने शरीर में उसकी रक्षा करता है, और एक ऐसे बिंदु पर वीर्य होता है कि या तो अधःपात होगा और नहीं और उपाय किया जाए ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने पर जब मेधा में पहुंचता है, ब्रेन में, तो वो अद्भुत शक्ति, अद्भुत स्मृति शक्ति हो जाती है उसके कारण। तो प्रसाद्रह ऊर्ध्वरेता बने, वीर्य को उन्होंने ऊपर रखने का व्रत लिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। अधारयत व्रतम,
धारण किया। अधारित व्रतम वीर उर्ध्वरेता मुनि प्रियम। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि वास्तव में पुरुषार्ध वीर थे। जो व्यक्ति काम पर विजय पा सकता है, ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है, वह वास्तविक वीर है। तो इनको पुरुषार्ध को सुखदेव जी कहते हैं कि वीर, उस वीर ने धारण किया। अधर व्रतम वीर उर्ध्वरेता मुनि प्रियम। मुनियों का यह प्रिय व्रत है। वे भोगों के लिए ललायत नहीं रहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन कौन कर सकता है, उसका एक बड़ा आधार है जो जिह्वा पर विजय प्राप्त कर सकता है, वही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। जो व्यक्ति चाहता है कचड़ बचड़ खाना जैसे तैसे और हमेशा खाओ 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 खाओ, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, संभव ही नहीं। तो मुनि प्रिय व्रत है ब्रह्मचर्य, इसको धारण किया और जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था उसमें वे लग गए। वासुदेव भगवती सर्वात्मनि परे मले एकांतित्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सहित समा। त्रिशर्ध्र भगवान श्री कृष्ण के वासुदेव के अनन्य भक्त हो गए, अनन्य भक्त। एकांतित्वं गत, एकांतित्व का मतलब है भगवान कृष्ण में ही केवल अपने इंद्रियों को रखना, वाणी को उनके गुणानुवाद में, आंख को दर्शन में, कान को कथा श्रवण में, हाथ को भगवान की सेवा में, पैर को उनके तीर्थ आदि में भ्रमण करने में, इसको कहते हैं एकांतित्व। जिसके इंद्रियों का व्यापार केवल भगवान में अभिनिविष्ट हो, भगवान में लगा हो, तो है एकांति, एकांत भक्त। अपनी भक्ति के प्रभाव से वे अनन्य हो गए भगवान वासुदेव में। वासुदेव कैसे हैं? वासुदेव भगवती, वे छह ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। वसुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, अथवा सबको जन्म देने वाले, सबको पालन करने वाले भगवान विष्णु छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। सर्वात्मनि और सबके आत्मा है, विश्वात्मा है, सबके हृदय में रहते हैं। परे अमल, वे प्रकृति से पार हैं और अमल हैं, माया का कभी भी उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं हो सकता है, अमल। तो ऐसे प्रभु में पुरुषार्ध एकांतित्व को प्राप्त हुए, अर्थात अनन्य भक्त हो गए, अनन्य प्रेमी हो गए भगवान के। तो उनके कुछ गुण सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, क्या क्या गुण थे। सर्वभूत सुहृत, समस्त जीवों के अकारण हितैषी। 84 लाख जोनियों में जीव हैं, तो पुरुषार्ध सभी जीवों के हितैषी थे, सबका हित चाहते थे। पशु पक्षी मनुष्य देवता दैत्य कीट पतंग जो भी हैं, सबके हृदय में भगवान को देखते थे और सबका प्रिय करना चाहते थे। इसको सर्वभूत सुहृद कहते। भगवान ने भगवद गीता में अनेक बार ये बात कहा, बहुत जोर दिया है। जो उच्चतम साधक होता है, मेरे भक्त होता है, योगी होता है, वो सभी के प्रति सम व्यवहार करते। यहां तक कहते हैं शत्रु में और मित्र में, सुख में और दुख में, मान और अपमान में जो सम होता है वो मेरा प्रिय है, भगवान ऐसा बोलते। कई बार बोले हैं गीता में, यह स्टैंडर्ड है। तो पुरुषार्ध सर्वभूत सुहित से और सर्वभूत सम भी कहेंगे, दोनों साथ में लगाना अथवा अलग से भी अर्थ करेंगे। सबके प्रति सम व्यवहार करते थे, विषमता नहीं। इस संसार में तो देखा जाता है कोई व्यक्ति अपने परिवार के प्रति, अपने दल के प्रति विशेष आसक्त रहता है और उनके गुणों को, अवगुणों को भी, दुर्गुणों को भी गुण समझता है, और किसी और के प्रति शत्रु बुद्धि करता है, उसके लिए चिंतित नहीं होता है बल्कि उसका नुकसान चाहता है। इसको विषमता कहते हैं। अपने सुख दुख के समान सभी जीवों के सुख दुख को समझना, इसको समता कहना है। तो पुरुषार्ध
सम हो गए, यह मेरा शत्रु है या मेरा मित्र है, या उपकारी है या अपकारी है, यह घाटा में डाल दिया या हमको लाभ दिया, इन सब भावनाओं से परे थे, सबका हित चाहते थे, सबकी मंगल कामना करते थे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवे, इस प्रकार के विचार में वो बिल्कुल सिद्ध थे, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे थे। सदा जप किया करते थे, चिंतन किया करते थे भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रील सुखदेव गोस्वामी उनके गुणों का और वर्णन कर रहे हैं, विमुक्त संगह शांतात्मा संयंताक्षो परिग्रह जदृक्षयोपपन्नेन कल्पयन वृत्तिमात्मनः। प्रसर्द विमुक्त संगह, सब प्रकार की आसक्ति से पूर्णतः मुक्त हो गए, विमुक्त संगह, ये मनुष्य का स्वभाव हो जाता है माया में, कि वो किसी स्थान से, किसी परिस्थिति से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से वो आसक्त होता है, उसको चाहता है और किसी किसी को नहीं चाहता है, लेकिन पुरुषार्थ इन भावनाओं से मुक्त हो गए, विमुक्त संगह, किसी में आसक्त नहीं थे, राग द्वेष आदि से शून्य हो गए। उनका प्रेम केवल भगवान कृष्ण से था और किसी से नहीं, कि यह व्यक्ति गुणवान है इसे प्रेम करो, ये धनी है इसके पीछे पड़ो और उसको दुत्कारो, ये करो, इन सब में नहीं था। विमुक्त संग कहते, विमुक्त संग, और शांत आत्मा, आत्मा माने मन, शांत मन, प्रायः समाधि में रहते थे, भगवान कृष्ण के स्मरण में मग्न रहते थे, उनका मन बिल्कुल शांत था। अशांत मन की क्या पहचान है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सफल या शांत। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, उसे कोई कामना नहीं होती है संसारी, इसीलिए शांत रहता है। लेकिन भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, भोग की कामना करने वाला, सिद्धि और मुक्ति की कामना करने वाला अशांत रहता, बेचैन रहता, कामना आग की तरह उसे जलाती रहती है। जैसे कोई व्यक्ति प्रचंड अग्नि में पड़ जाए तो शांति की आशा नहीं कर सकता, चारों तरफ से जलन तड़प रहेगी। ऐसे जिस जीव के हृदय में कामना होती है, हमको ये मिले, हमको वो मिले, ये मिले, वो जलता रहता है, तो जलने वाला अशांत रहेगा ही। लेकिन फिर शब्द का मन शांत आत्मा, आत्मा बिल्कुल शांत सुखी, और भगवान की भक्ति से पूर्ण से तृप्त थे। संयताक्ष, अपनी इंद्रियों पर उनका नियंत्रण था। अक्ष का अर्थ है इंद्रियां, अक्ष का आंख भी होता है और इंद्रियां भी, तो अपने इंद्रियों को वश में रखे थे, समाहिता, और इसके साथ ही साथ उनका मन बिल्कुल भगवान कृष्ण में आसक्त था, इधर उधर जाता नहीं था, समाहित चित्त, अपरिग्रह, और किसी चीज का वो संग्रह परिग्रह नहीं करते थे। कोई चीज मिले तो खाने भर रखते थे, आज खा लिए, पेट भर खा लिए, कपड़ा पहने बस पहने, और दो इस संग्रह नहीं, अगर कुछ मिला तो दे देते थे, सर्वभूत सुहृद थे तो दे देते थे दूसरे जीवों को, कभी संग्रह नहीं करते थे। परिग्रह भी कहते हैं, अपरिग्रह व्रत, महात्मा गांधी जी बताया करते हैं, अपरिग्रह व्रत, ये ज्यादा संग्रह करना अपने गले में फांसी लगाने के समान है। वैसे आदमी सोचता है कि हम इतना संग्रह करेंगे, इतना ज्यादा धन इकट्ठा करेंगे, गृहस्थों के लिए भी हम कह रहे हैं, उनके लिए भी यह एक फांसी है, कि चाहिए व्यक्ति को कि अगर धन बढ़े
तो दूसरे के उपकार में लगाता जाए, उसे उपकार होगा। एक दोहा में कहा गया है कि पानी बाढ़े नाव में, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अगर कोई नौका से यात्रा कर रहा है और नौका में पानी भरने लगा, तो बुद्धिमानी इसी में है कि दोनों हाथ से पानी को बाहर करे, नहीं तो पानी ही नौका को डुबा देगा और उस पर जो व्यक्ति सवार है वो तो मरेगा। ये नहीं किसी को सोचना चाहिए अच्छा है पानी नौका में पानी भर रहा है, पिएंगे खूब आनंद से, नहाएंगे इसी में, और वो डूब जाएगा मर जाओगे। इसी तरह से लोग सोचते हैं कि हमारे घर में आमदनी बहुत है, इतना बैंक में है, ये है, वैसे है, वैसे है, आनंद से जिंदगी कटेगी, लेकिन वह पैसा ही दुख का कारण हो जाता है। वो एक तो नरक में ले ही जाएगा वो, इतना निश्चित है, और दूसरा इस जीवन में भी अपने संबंधी भी बैरी हो जाते हैं, चोर बदमाश आदि की दृष्टि पड़ती है, वो दुखी ही रहता है, देखा गया है। तो पुरुषार्थ इस जाल से तो मुक्त हो ही गए थे, और वो अपरिग्रह में कोई परिग्रह नहीं। तो प्रश्न होगा कि जीते कैसे थे, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जद्रिक्षेप पन्ने न कल्पेन वृत्तिमात्मन। ईश्वर का विधान है व्यक्ति को भोजन मिलेगा ही मिलेगा और वस्त्र भी मिलेगा, ये ईश्वर का, ईश्वर भी जीव इस तरह से जीव का चला रहा है। तो इसको जद्रिच्छा वृत्ति कहते हैं, अपने आप बिना प्रयास के और यहां तक कि बिना मांगे भी कुछ मिल जाता था, उसी से आत्मनः वृत्ति कल्पयन, अपनी जीव का चला लेते। कहीं भी आदमी जाएगा वास्तव में मिलता है, जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं वो भी अगर समाज में घूमे और समाज को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं है, तो लोग खाने को दे देते हैं, पहनने को दे देते हैं, और कहीं कहीं घर भी दे देते हैं। उसमें रहिए, कुछ लोगों के घर फालतू जहां तहां बना करके रखे गए होते हैं, और कहां कहां रहे, विश्वरूप थोड़े हो जाएंगे कि वहां भी रहे यहां भी रहे, तो वो देना ही पड़ता है, किसी न किसी को दे देते। साधुओं को विशेष देते हैं, नहीं दूसरे को देने से डरते हैं कि यह दखल कर लेगा, फिर साधुओं को दे देते हैं, आराम से जिंदगी कटती है। इसको जद्रिच्छया उपपन्ने न कहा, भगवान की इच्छा से मिलेगा ही, तो जितना मिला उसी में संतोष करके और उतने से ही जीविका धारण करते थे। और क्या था, आत्मनि आत्मानम आधाय, आत्मा को, अपने को, यहां पर मन को, चित्त को आत्मनि श्री कृष्ण में आधाय, पूर्ण तरह रख करके, वे रख चुके थे, अपने को भगवान में रख चुके थे, अर्थात उन्हीं का चिंतन करते थे। ज्ञान तृप्त, ज्ञान से तृप्त, सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन यही है। ज्ञान का अर्थ होता है भगवान के सौंदर्य, भगवान की कृपा, लीला आदि का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इसी को ज्ञान कहा गया शास्त्रों में। तो पुरुषार्थ भगवान के ज्ञान से तृप्त थे, उनकी सुंदरता अपने मन में देखते थे, भगवान से भी मिलते थे, उनका चरण छूते थे, बातें करते थे मन में, तो भगवान से मिलने वाले सुख के अनुभव में मग्न थे। ज्ञान तृप्त, भगवान के विषय में जो ज्ञान है वास्तव में वही तृप्तिकर साधन है, सबसे बड़ा अमृत है। व्यक्ति सोचता है ये चीज मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन ये तो यही संस्पर्शजा भोग दुख योना है, ये होते ये तो संस्पर्शज भोग है इंद्रियों के, दुख की योनियां हैं। सुखी कौन है, गीता में भी भगवान बारंबार इस बात को बताए, जो कामनाओं को त्याग देता है वही सुखी है। एक तरफ कामनाओं का त्यागा हुआ व्यक्ति है और एक तरफ कामनाओं के पूर्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, अनेक कामनाएं हैं और उनके लिए अथक प्रयास कर रहा है,
ये काम है, ये इच्छा है, तो इसकी पूर्ति के लिए ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, और एक तरफ कामनाओं का त्याग कर दिया है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वह जो कामनाओं का त्याग कर चुका है वो बिल्कुल सुखी है, वो सुखी है। और कामनाओं के लिए जो युद्ध कर रहा है कि अब इस कामना की पूर्ति कर लें, पूरा दिल्ली अपने बस में कर लें, पूरा अमेरिका हमारे बस में हो जाए, अब हम चंद्रमा पर पहुंचकर सुखी होंगे, ये होंगे, तब तक मर करके चला जाता है और रोते रोते मरता है, क्योंकि कामना की पूर्ति हुई नहीं। आज तक जितने भी लोग इस तरह के हुए कामना वाले, वे हाहाकार करते हुए, हाय हाय करते हुए मरे, कोई आनंद से नहीं मरा कि ठीक है मेरी कामना पूरी हो गई। आपने सुना हो कुछ साधु महात्मा भगवान के भक्त आनंद से शरीर छोड़ते, उत्तृप्त रहते हैं, जब आप ले जाना हो भगवान को ले जाए या रखे उनकी जो इच्छा, लेकिन हमको यहां की कोई जरूरत नहीं। तो कामनाओं से एक युद्ध करने वाला व्यक्ति है, कामनाओं से नहीं, कामनाओं के अनुकूल होकर युद्ध करने वाला, काम उसको न चाहता है, ये वस्तु लाओ, यहां से लाओ, चाहे कितना भी महंगा हो, तब मैं सुखी होऊंगा, ये मन अनुशासन करता है, और मन के अनुशासन में व्यक्ति काम करता रहता है, करता रहता है। तो पुरुषार्थ है ज्ञान तृप्त थे, ज्ञान सबसे बड़ा अमृत है, भगवान से मिलने वाला ज्ञान अनुभव यह दिव्य अमृत है, तो बहुत सुख मिलता है। जैसे श्रीमद् भागवतम की कथा है, तो हम लोगों का अनुभूत विषय है, कभी कभी भगवान की लीलाएं सुन करके, ज्ञान की बात सुन करके, ऐसा अनुभव होता है कि संसार में हम लोगों से पढ़ करके सुखी कोई नहीं, ऐसा अनुभव होता है। इसको कहते हैं ज्ञान तृप्त, भगवान से मिलने वाले अनुभव से सुखी होना। प्रसाद इस तरह से थे, आत्मनि आत्मानम आधाय ज्ञान तृप्त समाहित विचार महिमेतम जडांग बधिराकृति। तो इस कृष्ण भावना भावित दशा में वे पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, घूमते थे जहां तहां, और अपने को जडांध बधिरवत, जडांध बधिराकृति, अपने को ऐसे दिखाते थे, संसार में लोग ये समझते थे कि बिल्कुल जड़ है, जड़ मतलब मूर्ख, इसको शरीर का भी ध्यान नहीं है, लंगोट पहन करके भी घूमते थे, या कभी वस्त्र नहीं है तो नग्न भी घूमते, जड़ वस्त्र, लोग कहते थे इसको पहनने का ध्यान नहीं, खाने का ध्यान नहीं है, घर बनाना चाहिए, विवाह करना चाहिए, बाल बच्चा पोसना चाहिए, इसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जड़ है। और अंध बधिराकृति, और कभी कभी अंधे जैसे व्यवहार करते थे, देखते थे लेकिन देखते हुए भी आप कौन है क्या है ऐसे इसलिए पूछते थे कि लोग ये न जान जाए कि ये देखता है, तो फिर टीवी पर बैठा देंगे कि ये देखो, इसलिए वे अंधे जैसे रहते थे, अंधे जैसे दिखाते थे अपने को, जिस लोक में विक्षेप न हो। बधिराकृति, कोई पूछता था ए कहां से आ रहे हो, कहां जाना है, कुछ भी नहीं सुनते थे, सुनते हुए भी बहरा बहरा जैसे रहते थे। जानते हैं इसका एक बहुत बड़ा भय होता है, अगर काबिल बनेंगे, अगर किसी को पता लग जाता कि ये राजा का लड़का है, तो लोग लाते अपने घर में स्वागत करते ये करते हैं, वो करते हैं, कई तरह से, तो भगवान के भजन में ये बहुत भारी विक्षेप। इसलिए अपने को विरक्त आदमी को चाहिए कि अपने को समाज में कभी बहरा जैसा रखे, कभी अंधा जैसा, कभी जड़ जैसा, अगर अपने को ज्यादा काबिल दिखाएंगे तब तो दरबार में पकड़ कर जाएंगे। हमारे यहां कहावत है नीक गीत गाए न दरबार धके जाए। एक गायक था तो उसको राजा दरबार में बार बार बुलाया करता था, गाओ राजा को गीत सुनाओ गीत सुनाओ गीत सुनाओ, उसके कर्मचारी हमेशा पकड़ कर ले जाते थे। तो एक दूसरा व्यक्ति सोचा कि बाप रे बाप, ये अच्छा गीत गाता है, तो इसको राजा के कर्मचारी पकड़कर हमेशा परेशान करते हैं।
तो हम तो अच्छा गाएंगे ही नहीं, इसलिए मुझे राजा पकड़ करना ही ले जाएगा। तो कहावत का यह अर्थ है कि नीक गीत गाए, नीक माने अच्छा, अच्छा गीत नहीं गाऊंगा अतः मैं राजा के दरबार में पकड़ कर नहीं जाऊंगा। यहां जो लोग अच्छा बनते हैं, अगर मान लीजिए पुरुषार्थ ये बताते कि मैं राजा का लड़का हूं, मेरा नाम पुरुषार्थ है, ये है वो है, तो कोई भी व्यक्ति उसका विवाह कर देता है और फिर उसको धन आदि दे करके और फिर वही माया के पक्ष में फंसा दे। तो इस तरह से वे अपने को जड़ बधिराकृति दिखाते थे, इस तरह से जीवन धारण करते हुए भगवान के भक्ति के आनंद में विभोर रहते थे। एवं वृतो वनम गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमुत्थितम तेनोपयुक्त कर्म ब्रह्म प्राप्त परम मुनि। इसी दशा में एक बार वे वन में गए पुरुषार्थ, और भगवान के भक्ति से पूर्ण मनोरथ हो चुके थे, कामनाएं पूरी थी उनकी, भगवान के परम अनन्य भक्त थे। देखे कि दावाग्नि लगी हुई है वन में, चारों तरफ आग की प्रचंड लपटें उठ रही है, तो उस आग के बीच में जाकर खड़े हो गए और तेनो उपयुक्त कारण उससे उनकी इंद्रियां जल गई, सारा शरीर जल कर राख हो गया। वो अनुभव कर रहे हैं कि शरीर जल रहा है, लेकिन जैसे हम कुर्ता उतार करके रखे और कुर्ता जल रहा हो, उस तरह से उनको अनुभव हो रहा है, देह जल रहा है, और वे तो भगवान कृष्ण की लीला में हो गए, भगवान के पार्षद बन गए। यह है मनु महाराज के वंश की कथा। उनका यह बेटा जो पहले गायों की रक्षा किया और बाद में भगवान की भक्ति में लग करके और अपने शरीर को स्वयं ही दावाग्नि में जला दिया, परमगत और भगवान का धाम प्राप्त किया। श्रीमद् भागवतम में कोई इतिहास कथा कहानी के रूप में नहीं दिया गया है, ये वास्तव में ये दिखाया गया कौन व्यक्ति भगवान से कितना प्रेम किया, किसमें कितना वैराग्य आया, ज्ञान आया, भागवत का यही लक्ष्य है, इसीलिए भगवान वेदव्यास देव ने इसकी रचना की। राजा का बेटा होकर के भी कोई भोगों की कामना नहीं, जब गो व्रत गो पालन कर रहे थे उस समय भी रात में जग करके नींद नहीं लेना, यह भी बहुत भारी भोग का त्याग है ना। आदमी को नींद कितनी प्यारी होती है, वो सोना चाहता है, और विशेष करके भोर में तो और लोग प्रचंड आवेश में आ जाते हैं नींद के, बहुत प्रिय लगते हैं। कभी कभी लोग खाना भूल जाते हैं, कोई खाने के लिए जगाता है तो वो भी नहीं खाते, खाते नहीं है, बच्चे खाते नहीं है, निद्रा में इतना रस लेते, उस निद्रा को प्रिसर्व बिल्कुल तिलांजलि दे दिए थे, किसकी, गौ माता की रक्षा के लिए, अपने गुरु महाराज वशिष्ठ देव के आदेश की रक्षा के लिए। तो बचपन से ही जो ऐसा है, किशोर अवस्था से ही, तो क्या कहना, बाद में भगवान का अनन्य भक्त और शरीर को जला करके भगवान के धाम चलेगा। तेनों प्रयुक्त करणो ब्रह्म प्राप परम मुनि। वे मुनि थे, फालतू बात कभी नहीं बोलते थे, ऐसे मुनि पुरुषार्थ पर ब्रह्म को पा गए, दवाग्नि में अपने शरीर को दग्ध करके और पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश की, वैकुंठ चले। सुखदेव गोस्वामी कथा तो इस तरह से कह रहे हैं, मनु महाराज के वंश की कथा सुना रहे हैं, तो सुदुम्न की सुनाए, और पुरुषार्थ के बारे में उनका कहना यह है कि वो विवाह नहीं किए इसलिए अपुत्र रह गए, ये तो भगवान के धाम में चले गए, उनको शूद्र छांट दिया गया इसलिए विवाह आदि उनका नहीं हुआ, नहीं किए ही वास्तव में, वो स्वयं ही मुनि अधारयत व्रतम ऊर्ध्वम मुनि प्रियम, वीर मुनि प्रियम, वो वीर व्रत धारण किए, स्वयं ही विवाह नहीं किए, भगवान की भक्ति में लग गए और अपने से ही अपना देह जलाकर भगवान के धाम चले। एक पुत्र की कथा है पुरुषार्थ की, जिनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ,
दस पुत्रों में से एक की कथा यहाँ पूरी हुई। दूसरा सबसे छोटा बेटा उनका था मनु महाराज का, उसका नाम था कवि, कवि कनीयन विशेष निष्प्रिय विसृज राज्यम सहबं दुभिर वनम निवेश चित्ते पुरुषम स्वरोचिषम विवेश कैशोर वया परम गत। मनु महाराज का सबसे छोटा पुत्र भी कितना भगवान का भक्त था। ये मनु महाराज के पुत्रों की कथा सुनाई जा रही है जो परम विरक्त और कृष्ण के भक्त। कवि कनीयान, कवि नामक पुत्र कनीयान सबसे छोटा था। कनीयान का अर्थ है सबसे छोटा, सबसे छोटा बेटा कवि था। विषय सो निष्प्रिय, विषय विषय भोगों में बिल्कुल निष्प्रिय था, कोई इसको मतलब नहीं था, पूरा पूरा विरक्त। विसृज राज्यम सहबंध वीर बनन विवेश, यहां से इसका अन्वय। निवेश चित्ते पुरुषम स्वरोचिषम, वह कभी अपने चित्त में परम पुरुष स्वयं प्रकाश भगवान हरि को निवेश प्रवेश करा दिया था, अपने हृदय में भगवान कृष्ण को प्रवेश करा दिया था, अर्थात हमेशा चिंतन करता रहता था। और सह बंध भी राज्यम विसृज्य, राज्य छोड़ दिया, नहीं लिया, उसके हक के अनुसार छोटा भाई था तो उसके उसको भी राज्य मिल रहा था। मनु महाराज का राज्य कई भाइयों में दिया जा रहा था तो कवि को भी दिया गया, लेकिन कवि राज्य स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने भाई पुरुषार्थ के साथ ही ये भी घर से निकल गया। यहां बंधु भी का तात्पर्य दो किया जाता है, एक तो आदर के लिए एक प्रसाद को बड़ा मानता था, पूज्य मानता था, इसलिए बहुवचन का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी भी कर दिए, अपने बंधुओं के साथ, मतलब अपने बंधु अपने भाई प्रसाद के साथ। अथवा जिस समय कभी घर से निकल रहा था तो उसके और भाई या बंधु बांधव कुछ दूर गए, निकलने के लिए ये अर्थ किया जाता है, बंधुओं के साथ राज छोड़कर निकल गया, वो लोग बाद में लौट आए, लेकिन यह वनम विवेश, वन में प्रवेश किया। छोटा लड़का भगवान का परम भक्त और विशेष निष्प्रिय, खान पान सवारी भोग विलास स्त्री संग आदि से कोई मतलब नहीं था, इस राज्य का त्याग किया, अथवा बंधुओं के साथ राज्य का त्याग किया, मैंने घर द्वार आदि की ममता, भाई आदि की ममता नहीं रही, इनके साथ राज्य को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ा, इसके साथ अपने आठ भाई घर में थे इनको भी छोड़ा। प्रसर्द तो घर से निकल गए थे, चले गए थे, इक्ष्वाकु महाराज आदि को छोड़ा, इनकी भी ममता नहीं किया कि भैया लोग हैं इनके साथ रहेंगे, सह बंधु भी राज्यम विसृज्य वनम विवेश, क्या करके स्वरोचिषम परम पुरुषम हृदये निवेश्य, हृदय निवेश चित्त निवेश्य, परम पुरुष भगवान को जो स्वयं प्रकाश है उनको अपने हृदय में बसा लिया, निरंतर उन्हीं का चिंतन करता था, और घर से निकल गया, वन में गया, और किशोर अवस्था में ही भगवान कृष्ण को प्राप्त कर गए। कैशोर वया परमगत, परमगत मतलब वैकुंठ गया, भगवान का पार्षद बना। तो मनु महाराज के दो पुत्रों की कथा पूरी हुई, वृषभद्र और कवि। अब इस अध्याय में अभी पांच पुत्रों की वंशावली का वर्णन है, वो मैं करके ही विराम लूंगा, तो वो उतना विस्तार से नहीं है। अब सुनिए ये लघु क्रम से चालू किए हैं सुखदेव गोस्वामी, वंशावली का वर्णन छोटे से चालू करके बड़े तक ला रहे हैं, इक्ष्वाकु महाराज का वर्णन बाद में करेंगे, पहले छोटे छोटे से चालू किए।
ये श्रीधर स्वामी कहते हैं लघु कर्माचरण वर्ण करें। करुषात मानवाद आसन कारुषा छत्र जाते उत्तरा पथ गोप्ता रो ब्रह्मांड्य धर्मवत्सला। ब्रह्मांड्य धर्मवत्सला करुष नामक एक पुत्र थे मनु महाराज के, इसलिए उनको मानव कहते, मनु के पुत्र मानव। मानव करुष से कारुषा नामक क्षत्रिय जाति हुई। करुष के वंश में ऐसा नहीं हो गया कोई शूद्र हो गया, ये कोई हो गया, तत्काल शूद्र की कथा कह चुके हैं, इसीलिए अब यहां पर कहते हैं स्पेशल कि करुष के पुत्र जो हुए सब क्षत्रिय हुए। उत्तरा पथ गोप्तर ब्रह्मण्य धर्म अचला, ये सभी उत्तरा पथ के रक्षक थे, उत्तर भारत के। और ब्राह्मण्य धर्मवत्सला ब्राह्मणों के परम भक्त थे, वैष्णवों के परम भक्त थे, और धर्मवत्सला धर्म से बहुत प्रेम करते थे, धार्मिक थे। ये क्षत्रिय जाति ऐसी हुई जो ब्राह्मणों का भक्त और धर्म की धर्म से वैसे प्रेम करते थे जैसे गाय अपने बच्चे से प्रेम करती है, इसको वत्सल कहते हैं, धर्मवत्सला। ये राजा सब धर्मवत्सल थे। आज के राजा धर्म निरपेक्ष हो गए। धर्म निरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपना धर्म छोड़ दें। कोई दूसरा अपने धर्म का पालन कर रहा है तो ठीक है, वो भी करें, लेकिन अपने धर्म का तो करना चाहिए। लेकिन आज के राजा सब धर्म उपेक्षक हो गए, निरपेक्ष नहीं है, धर्म की उपेक्षा कर रहे हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं। मिनिस्टर हो गए तो उनको हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाना है, भले क्लब में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, लेकिन ये सब शब्द बता रहे हैं कि पहले के लोगों में और आजकल के लोगों में कितना अंतर हो गया। धर्मवत्सल, कोई धर्म का पालन करता था तो उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, मान सम्मान करते थे, और स्वयं धर्म का पालन करते थे, भगवान का नाम जपना, भगवान का दर्शन करना, भगवान की कथा सुनना, ये सब धर्मवत्सलता है। धर्मवत्सल राजा थे उत्तर भारत के राजा, एक करुष के पुत्र। तो तीन पुत्रों के विषय में कहा गया। अब कहते हैं धृष्टा धार्ष्टम अभूत क्षत्रम ब्रह्म भूयम गतम क्षितव। धृष्ट से उत्पन्न जितने भी पुत्र हुए धार्ष्ट, ये सब क्षत्रिय थे लेकिन पृथ्वी पर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर गए। देखिए अद्भुत अद्भुत कथा हो रही, ये सब क्षत्रिय थे लेकिन अपने शुभ कर्म से ये सब ब्राह्मण हो गए। अच्छा, उधर पुरुषार्थ को शूद्र छाटा गया तो ये सब भगवान को पा गए, पुरुषार्थ भगवान कृष्ण को पा गए, तो कोई अंतर नहीं रहा। गुरु वशिष्ठ जब जो व्यवस्था दिए तो उसे कल्याण ही हुआ। तो धृष्ट के सभी पुत्र धार्ष्ट कहलाए, और इनके वंश में जो सब क्षत्रिय थे लेकिन पृथ्वी पर सभी ब्रह्म भूयम गतम ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए, ब्राह्मण हो गए सभी। तो कोई भगवान की भक्ति करता है, नाम जप करता है, चार नियम का पालन करता है, मांस भक्षण आदि नहीं करता है, तो वास्तव में वो ब्राह्मण ही है, जिसका मन भगवान में लगा है, जप कर रहा है, शुद्ध आहार विचार है, वो तो ब्राह्मण। आज के युग में कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि ये कैसे ब्राह्मण हो गए, देखिए कैसे भागवत कह रहा है, ये सब क्षत्रिय थे लेकिन अपने कर्म से ब्राह्मण हो गए। महाराज मनु के पुत्र धृष्ट के संतान, चार पुत्र कथा होगी। और मृग मृगस्य वंश सुमतिर भूत ज्योतिर तत्व वसु वसु प्रतीकस्तत् पुत्र ओ भगवान ओ भगवत पिता। मृग महाराज ये मनु महाराज के एक पुत्र हुए, तो इनके वंश को सुनो। मृग के पुत्र हुए सुमति, सुमति के भूत ज्योति, भूत ज्योति के वसु, वसु के प्रतीक
और प्रतीक के पुत्र हुए ओघवान, और इनका जो पुत्र हुआ उसका भी नाम था ओघवान ओघवत। बाप का भी नाम और बेटा का भी नाम एक ही रहा, ओघवान ओघवान, अथवा थोड़ा सा अंतर ओघवान और ओघवत, इतना ही अंतर है, दोनों का मतलब एक ही है। और ओघवान की एक कन्या हुई जिसका नाम हुआ ओघवती, उससे सुदर्शन ने विवाह किया, सुदर्शन नामक व्यक्ति ने विवाह किया। ये कितने पांच पुत्रों की कथा हो गई ना, तीन चार पांच, करुष धृष्ट और मृग कथा, और नरिष्यंत का वंश सुनिए, चित्रसेनो नरिष्यंता वृक्षस्त सुतोभव, नरिष्यंत के पुत्र हुए चित्रसेन, चित्रसेन के वृक्ष, और वृक्ष के पुत्र हुए मिढ़वान, मिढ़वान के कुर्च के इंद्रसेन, और इंद्रसेन से बीतिहोत्र हुए, बीतिहोत्र के पुत्र सत्यश्रवा, सत्यश्रवा के उरुश्रवा, और उरुश्रवा के पुत्र हुए देवदत्त। नरिष्यंत का वंश गिना जाए तो देवदत्त के पुत्र हुए अग्निवेश्य, जो साक्षात भगवान अग्निदेव ही थे, अग्निदेव ही पुत्र के रूप में जन्म लिए, तो उनका नाम हुआ अग्निवेश्य। और उनका एक प्रसिद्ध नाम है कामीन और जातुकर्ण, एक महान ऋषि हुए। ततो ब्रह्मकुलम जातम आग्निवेश्यायनम नृप, हे महाराज परीक्षित, महान ऋषि जातुकर्ण से ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ, और अग्निवेश्यायनम इसको कहा जाता था, अग्निवेश्य के सब संतान ब्राह्मण हुए। नरिष्यंतान वय प्रोक्तो दिष्ट वंश मत, तो नरिष्यंत के वंश का वर्णन मैं कर दिया, अब दिष्ट के वंश का वर्णन सुनो, बहुत जल्दी जल्दी वंश का वर्णन कर रहे हैं। ना भागो दृष्ट पुत्र से कर्मणा वैश्यताम गत, ना भागो दिष्ट पुत्र, दिष्ट के एक पुत्र थे जिनका नाभाग नाम था। आप ये मत समझिए कि कहीं पुत्र हुए, बहुत पुत्र हुए लेकिन एक एक के नाम गिना रहे हैं प्रधान के। नाभागो अन्य नाभाग, आगे नभग महाराज के पुत्र की वंशावली जब गिनाई जाएगी तो उनके पुत्र नाभाग आएंगे जो महाराज अम्बरीश के पुत्र हैं, तो आगे जो कहेगा जाएंगे उनसे अन्य नाभाग। नाभाग ऐसे कई नाम, ये कहीं नाम कई लोगों के हो जाते हैं ना, कई जगह देखा गया, अगर महेंद्र नाम है तो कई लोगों का महेंद्र नाम, सुरेंद्र या ऐसे कई कई नाम कई लोगों के हो जाते हैं। तो नाभागो दिष्ट पुत्र अन्य, दिष्ट के पुत्र का नाम था आप नाभाग, ये नाभाग अन्य नाभाग है, अम्बरीश वाले नाभाग नहीं। और एक कर्मणा वैश्य काम करता है, ये अपने कर्म से वैश्य हो गए, तुरंत बदलता जा रहा है कर्म के अनुसार परिवर्तन, वैश्यतांगता। तो नभाग के पुत्र हुए भलंदन, भलंदन के वत्स प्रीति, और वत्स प्रीति के पुत्र हुए प्रांशु, और प्रांशु के पुत्र हुए प्रमति, प्रमति के पुत्र हुए खनित्र, और खनित्र से चाक्षुष का जन्म हुआ, चाक्षुष के पुत्र हुए विभिन्सती, विभिन्सती के पुत्र हुए रम्भ, और खनिमित्रस्य धार्मिक,
थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। विभिन्सती के पुत्र रम्भ और रम्भ के पुत्र खनिन दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के पुत्र अनुच्छित। दोनों ही परम धार्मिक उनके पुत्र हुए करंधम। विभिन्सती या खनि नेत्र के पुत्र हुए करंधम और करंधम के अनविक्षित। तस्याविक्षित सुतो जस्य मर्तस चक्रवर्ती भूत। और अनविक्षित के पुत्र हुए मरुत, ये चक्रवर्ती सम्राट हुए। और अंगिरा जी के पुत्र संवर्त इनके गुरु बने, उन्होंने यज्ञ कराया इनसे। महायोगी थे ये अंगिरा जी के पुत्र संवर्त। तो मरुत महाराज ने ऐसा यज्ञ किया जैसा यज्ञ किसी ने भी नहीं किया है। मरुतस्य तथा यज्ञो न जथा यज्ञ न तथा अन्यस्य कंचन। आज तक मरुत ने जैसा यज्ञ किया वैसा यज्ञ कोई नहीं किया। मरुत के यज्ञ में जो भी छोटी बड़ी वस्तुएं थी, पात्र बेदी या यज्ञ मंडप का डंडा खंभा, सब सोना का बना हुआ था। सर्वम हिरणमयम त्वासित यत किंचित चान्य स्वर्णम। सब चीजें बहुत सुंदर बनाई गई थी और सोने से बनाई गई थी सब। अतः मरुत के समान दूसरा यज्ञ कोई नहीं किया। और क्या विशेषता थी? अमाद्यद इंद्र सोमेन। इसमें डायरेक्ट भगवान इंद्र आहुति ले रहे थे और सोम रस पीकर उन्मत्त हो गए। यह सोम लता है जो केवल स्वर्ग में पाई जाती है। तो चक्रवर्ती सम्राट चक्रवर्ती राजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया कि सोम रस से तैयार किया गया था अमृत, और उसको पी करके भगवान इंद्र परम आनंदित हो गए। कहने का मतलब ये है, ये नहीं समझना चाहिए कि आजकल के शराबी जैसा शराब पी करके बस लुटने लगे। परम आनंद में हो गए, ये मतवाले हो गए। और दक्षिणा भी द्विजातय, और ब्राह्मण लोग दक्षिणा पा करके मतवाले हो गए, मतलब बहुत ज्यादा दक्षिणा उनको मिली। अमाद्य अमाद्य मतवाले हो गए मतलब आनंद में विभोर हो गए। और जिस यज्ञ में सब कुछ सोना का ही बना हुआ है, तो ब्राह्मणों को अगर एक एक दो चार किलो सोना मिले तो कौन आश्चर्य है। तो वो तो बिल्कुल विभोर हो गए। द्विजाति लोग भी, भगवान इंद्र भी, और परोसने वाले कौन थे? अमृत जो पिलाया जा रहा था जग में, खिलाने पिलाने वाले स्वयं मरुदगण थे, 49 भाई। हवा कितना तेज इधर से उधर चल करके करती है, तो हवा के अधिष्ठात्री देवता थे यही लोग। बड़ी फुर्ती से परोस रहे थे सब परिवेष्टा और मरुत। मरुत परिवेष्टारो विश्व देवा सभा सद। और सभा में आए हुए लोगों के स्वागताध्यक्ष कौन थे? स्वयं विश्व देवा देवता जिनकी पूजा की रही कि जब वही सब उपस्थित होकर के सभा सदों की सेवा कर रहे थे। इतना अच्छा यज्ञ हुआ। मरुतस्य दमः पुत्र। मरुत महाराज के पुत्र हुए दम, दम के पुत्र हुए राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के सुधृति, सुधृति के पुत्र हुए नर, नर के पुत्र हुए केवल, केवल के धुंधुमान बंधुमान, बंधुमान के बेगवान, बेगवान के बंधु पुत्र हुए बंधु,
और बंधु के पुत्र हुए तृणबिंदु महीपति, संपूर्ण पृथ्वी के राजा तृणबिंदु। ये तृणबिंदु बड़े ही सुंदर थे और सभी गुणों में बड़े आकर्षक थे, अतः स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा अलंबुसा इनको अपने पति के रूप में भजन किए, इनके पास आई और इस श्रेष्ठ अप्सरा से महाराज तृणबिंदु ने अनेक पुत्र उत्पन्न किया और एक कन्या भी उत्पन्न किया जिसका जो इडविडा भवत, उसका नाम था इडविडा। इडविडा का विवाह विश्रवा मुनि से हुआ, विश्रवा ने उसके गर्भ से धनदन कुबेर को जन्म दिया। प्रादाय विद्याम परमं ऋषि जोगेश्वरात पितु, कुबेर जी नहीं विश्रवा जी अपने पिता से परम विद्या प्राप्त की है, चाहे अंतर्धान होने की अथवा ब्रह्म विद्या। विशाल शून्य बंधु से धूम्र केतु से तत्सुता, और कुबेर जी के पुत्र हुए विशाल शून्य बंधु और धूम्र केतु। विशालो वंशकृत राजा वैशाली ने बने पुरी, ये विशाल के भी पुत्र हुए, वंश को आगे चलाने वाले हुए और राजा हुए। इन्होंने वैशाली नामक नगरी का निर्माण किया। तो विशाल के पुत्र हुए हेमचंद्र, हेमचंद्र के धुर्मा धूम्राक्ष और तत्पुत्र संयमा दासी, और धूम्राक्ष के पुत्र संयम से कृषाश्व का जन्म हुआ, कृषाश्व का पुत्र हुआ सहदेव हुआ, सहदेव के पुत्र हुए कृषाश्व है, कृषाश्व से सोमदत्त, सोमदत्त से अश्वमेधर इडस्पति, इष्ट्वा पुरुषमात प्रज्ञान गतिम जोगेश्वर आश्रित। कृषाश्व से सोमदत्त का जन्म हुआ और सुंदर भूत जो अश्वमेध है, जिसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान कृष्ण का विष्णु का भजन किया और उनकी आराधना करके वैकुंठ प्राप्त किया। और सुमदत्त का पुत्र सुमति हुआ, सुमति का पुत्र जनमेजय, एते वैशाल भूपाला तृणबिंदु जशोधरा, ये सब विशाल नरेश विशाल के वंश में उत्पन्न जो महाराज तृणबिंदु के जस को धारण करने वाले हैं, अर्थात बड़े यशस्वी राजा हुए। इस प्रकार महाराज मनु के सात पुत्रों का वर्णन किया गया। महाराज परीक्षित के प्रश्न के अनुसार सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, तो हम लोगों को तो सबका नाम याद नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार कम से कम पढ़ कर दिमाग में आता है कि अगर यज्ञ किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। महाराज मरुत के यज्ञ में इंद्र मतवाले हो गए थे, ब्राह्मण परम आनंद में थे, उनका पैर धरती पर नहीं पड़ रहा था, इतना धन प्राप्त किए। भोजन परोसने वाले मरुदगण थे और सभासदों का स्वागत करने वाले विश्वदेवा लोग थे। कौन तीन पुत्र रह गए? सात पुत्र का तो वर्णन हो गया, जिसमें दो अविवाहित रह गए, कृषार्ध और कवि, और पांच का वर्णन हुआ, सात, पांच तीन सात और तीन रह गए। तो तीन में एक